आखिरकार ढाई महीने के अंतराल के बाद चौथी बैठक में दिल्ली को मेयर मिला और आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार थी डॉक्टर शैली ओबराय उनको इसमें जीत मिली। तो उनको जो टक्कर दे रही थी भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता मेरे साथ हैं, इस परिणाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है वो हमने अदा करी। हमने पहले दिन से ही कहा कि हम पूरी शुचिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जो हमने किया। हमने पहले दिन ही कहा था पहले हाउस में कि आप चुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई संशय यदि था तो वो आम आदमी पार्टी को था, कहीं पर दिक्कत थी तो उन्हीं ही थी। तो जिसके कारण से थी आप एल्डरमैन से वोट कराना चाह रहे थे जो कि परंपराओं के विपरीत था, कानून के विपरीत था। देखिए, एल्डर मैन का वोट जो है वो बिना संविधान के नहीं हो सकता। ये जो निर्णय आया है कोर्ट ने, कभी पढ़ा, पहले पढ़ा था जो जोन में एल्डर मैन का वोटिंग होता है वो भी उससे पहले नहीं थी, अमेंडमेंट के बाद ही वो वोटिंग शुरू हुई थी। और जब जोन में हो सकती है तो हाउस में भी हो सकती है। और वो निर्णय भी उस फैसले में भी जो जोन वाले उसमें भी कह दिया गया था कि आपको वहाँ वोटिंग का राइट नहीं होगा, सिर्फ वार्ड कमेटी में। नहीं, आपने फिर वो जजमेंट नहीं पढ़ा है, उसमें केवल ये लिखा था कि जोन में राइट है, और जोन में राइट है और हाउस में नहीं, ऐसा कहीं लिखित नहीं था। तो यदि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है, ये अगर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है हमने उसे पूरी तरह से माना है। हो सकता था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये भी हो सकती थी कि एल्डरमैन के वोट अलाउड हो सकते थे, परंतु हम आम आदमी पार्टी की तरह कि जी जजमेंट हमारे हित में आ गई तो हम कहें कि सब बढ़िया हो गया, और हित में नहीं आए तो हम चिल्ला चिल्ला के कहें कि जुडिशरी और मोदी जी मिले हुए हैं, केंद्र सरकार मिली हुई है। हम उस प्रकार के नहीं हैं। हित में आया या बिना हित के रहा, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हम उसको मानते हैं, और आज के हाउस में हमने वही पॉजिटिव भूमिका अदा करी। निर्णय जो भी रहा हमने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाया, और विपक्ष की भूमिका के नाते हम अपना काम करते रहेंगे। ये बताइए कि मेयर चुनाव हारे, क्या उससे इतना हतोत्साहित हो गए कि गौतम गंभीर वोट डालने ही नहीं पहुँचे? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ही वाज इन विद डॉक्टर, और वो पहुँचे 10 मिनट में। ये गलत बात है, थोड़ा सा मेयर को रुकना चाहिए था, वो 10 मिनट और उसको कर सकते थे, पर नहीं किया, वो उनका निर्णय है। परंतु ऐसा नहीं है कि हतोत्साहित होकर तो कहानियाँ ना बनाएं, वो किसी इमरजेंसी में थे और वहाँ पर वो डिले हो गए 10 मिनट के लिए। अब हाउस को चलाने में आपका क्या योगदान रहने वाला है? हमारी एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका रहेगी, और जो भी काम दिल्ली के हित में होंगे, दिल्ली के विकास के लिए होंगे, उसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। आप लोग 15 साल तक सत्ता में रहे, ये नए नए आए हैं, कुछ सलाह देना चाहेंगे बेहतरी के लिए दिल्ली की? बिल्कुल देंगे, वो माने ना माने ये उनकी मर्जी। क्या सलाह रहेगी दिल्ली की बेहतरी के लिए? हर निर्णय को लेके जाएं, ये अगर इसी तरीके से कोसने का काम करेंगे, जी केंद्र सरकार को कोसो, राज्यपाल को कोसो, तो कैसे काम कर पाएंगे? दिल्ली को यदि बेहतर बनाना है तो उसमें सहयोग इनको केंद्र सरकार का भी लेना पड़ेगा और बाकी एजेंसीज का भी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी भी एक जो आत्मा होती है स्टैंडिंग कमेटी, उसमें क्या उम्मीद रखते हैं आप, उसमें क्या आपको हासिल हो सकता है? जिसको जहाँ जिम्मेवारी मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के यदि किसी निगम पार्षद को स्टैंडिंग कमेटी में जिम्मेवारी मिलेगी तो वो वहाँ निभाएगा, और इन्हें यदि हाउस में मिली है, इनका मेयर डिप्टी मेयर बने हैं, तो वो वहाँ निभाएंगे। कितने? 6 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल, तो यह है रेखा गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार थी, और मेयर पद और डिप्टी मेयर दोनों ही जो है वो आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। साफ तौर पर भाजपा का कहना है कि अब वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और दिल्ली की बेहतरी के लिए आम आदमी पार्टी को सलाह भी देंगे। फिलहाल की बात यही है कि 2.5 महीने के अंतराल के बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुका है। अपनी वीडियो सहयोगी मस्तान के साथ जितेंद्र भाटी।